बालोतरा चपदरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए तीन अवैध देशी बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से टोपीदार बंदूक निर्माण की सामग्री भी बरामद की गई है। आरोपी पपुराम भील के कब्जे से छर्रे व बारूद की पुड़िया सहित अन्य कई सामग्री भी बरामद हुई है। जानियाना गांव की घड़ोई नाड़ी स्थित एक रिहायशी ढाणी में आरोपी पपुराम अपने घर में ही बंदूकों का निर्माण कर रहा था। पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। बालोतरा जिले में आईजी सर के निर्देशानुसार इलीगल आर्म्स के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पचपतरा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए जानियाना में एक अवैध हथियार बनाने की कारखाने को जब्त किए गए। इस कार्रवाई में 25 तारीख को पुलिस को यह आशूचना मिली थी कि जानियाना में एक व्यक्ति अवैध हथियार अपने कारखाने में बनाता है तथा लोगों को बेचता है। इस संबंध में स्पेशल टीम का गठन करके दबिश दी गई तो मौके से तीन हस्तनिर्मित टोपीदार बंदूकें सीज की गई। इसके अलावा तीन नाल जिनसे जो कि प्रोसेस में थी बंदूक बनने के तथा सहायक सामग्री जब्त की गई। इस कार्रवाई में हथियार निर्माता व अवैध हथियार सप्लायर जो है पप्पूराम उसको भी गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में मुकदमा नंबर 283/24 3/25 और 5/25 धाराओं में दर्ज करके इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है कि ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेता था तथा इसने पूर्व में किस तरह के हथियार किन किन लोगों को सप्लाई किया।